अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं सिवान का बेटा हूँ और मुझे सिवान के लोगों का आशीर्वाद मिल चुका है, इसीलिए तो मुझे पॉलिटिक्स आती नहीं है, मुझे काम करना आता है और मैं पॉलिटिक्स से दूर हूँ। ये बात सही है, नीतियों को बदलने के लिए आगे आना पड़ता है, उसके लिए मैं आया हूँ। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपने बेटे को एक बार आप मौका दें और मैं वो चीज़ करके दिखाऊंगा कि सिवान को कैसे सजाना है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम न्यूज़, आपका बहुत स्वागत है। आपको हम बता दें, 2022 की शुरुआत से ही बिहार में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। आपको हम बता दें, जो इसमें एक बड़ा बदलाव ये भी हुआ है और इससे जनता काफ़ी खुश है। आपको बता दें, ये कुछ ऐसे चुनाव होते थे जिसमें पर्दे के पीछे गेम प्लान किए जाते थे, लेकिन इस बार बदल दिए गए हैं। काफ़ी लोगों की हाल ख़राब हो रखा है और बहुत सारे लोग इससे खुश भी हैं। जनता इसलिए खुश है कि उनके योग का जो चेयरमैन होगा या सभापति होगा, उपसभापति होगा, वो मिल सकेगा। अब तो इससे लोग थोड़ा सा खुश हैं और जो गेम प्लान होता था बाद में, जो बाद में इलेक्शन के बाद जो प्लान लोग करते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा आपको और आपके अनुसार आप जिसे चाहेंगे उसे आप चुन सकेंगे। आपको हम बता दें, नगर परिषद चुनाव का सिवान में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर शारिक नैयर साहब, फैजी साहब, एक चर्चित चेहरा है और किला के नाम से ये जाने जाते हैं। सिवान में अच्छा चेहरा इनका माना जाता है। फिलहाल ये भी डोर टू डोर अपना कैंपेन कर रहे हैं। सरगर्मियां नगर परिषद चुनाव को लेकर तेज़ हो गई हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर शारिक नैयर साहब से, फैजी भाई से, क्या कुछ कहेंगे, किन किन मुद्दों के साथ मैदान में होंगे, बहुत कठिन मुकाबला होने वाला है, आप इसे कैसे देखते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे लाइफ में। डॉक्टर साहब, बहुत चूँकि लोग खुश ये हैं कि उनके योग, उनकी योग्यता के अनुसार सभापति या उपसभापति मिलेगा, आप तो सभापति के लिए अपना पर्चा भरेंगे, क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों के साथ हैं मैदान में आप? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं सिवान का बेटा हूँ और मुझे सिवान के लोगों का आशीर्वाद मिल चुका है और लोग बहुत ही मोहब्बत करते हैं मुझसे और आने वाले समय में मैं उनकी उम्मीदों पर 100% खड़ा उतरूँगा और मुझे पता है कि मुझे सिवान को कैसे देखना है, वो सारा मेरे दिमाग में है, कैसे सिवान को एक कचरा मुक्त बनाना है और जो आज भ्रष्टाचार में संलिप्त है सारा आपको नगर परिषद, उसको कैसे उससे दूर करना है, ये सारा चीज़ मेरे इसमें है। और जो असल में जो सफाई कर्मी है, उनका जो उनका शोषण हुआ है, उनको उससे कैसे निकालना है, इस सब पे मैं काम करूँगा। सर, बात बहुत बड़ी कह रहे हैं आप और बहुत ज़रूरी काम के ऊपर आपने नज़र अपनी बनाए रखी है, लेकिन आपकी अगर बात करें तो पॉलिटिक्स में कुछ खास करियर रहा नहीं है और सही मायने में शुरुआत भी करेंगे तो आपके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी एक तरह से। जी, सही बोला आपने, इसीलिए तो मुझे पॉलिटिक्स आती नहीं है, मुझे काम करना आता है और मैं पॉलिटिक्स से दूर हूँ, ये बात सही है, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी युवा को आगे आना पड़ता है और अपने चारों तरफ होते हुए भ्रष्टाचार और गलत नीतियों को बदलने के लिए आगे आना पड़ता है, उसके लिए मैं आया हूँ। जी, कहते हैं कि सिर्फ गंदगी को देख के उसके खिलाफ बोलना ही सही नहीं है, बल्कि आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप गंदगी में उतर के उसको साफ़ करने का जज्बा रखें, ये सोच के साथ आप। बेशक, देखिए, कोई भी काम करने के लिए पहले उसका मास्टर प्लान होना चाहिए और जो रीढ़ की हड्डी है हमारे सफाईकर्मी हैं, उनको जब तक हम साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। और अभी तक तो यही मैं देखता आ रहा हूँ बरसों से कि उन्हीं के साथ शोषण होता है, जो उसको सिवान को साफ करने का काम करते हैं उन्हीं के साथ शोषण हो रहा है, तो कैसे सिवान बदलेगा। उसके बाद जो भी है, आपको डंपिंग एरिया की फैसिलिटी नहीं है, आपको जाम पूरा सिवान में, आखिर क्यों ऐसा है? जब तक कि उस पर अगर मंथन नहीं किया जाएगा तब तक वो चीज़ें बदलेंगी नहीं। जी सर, जितने लोग मैदान में होते हैं उनका वादा इरादा ऐसी तरह से होता है चुनाव से पहले, लेकिन सर जीतने के बाद वो भूल जाते हैं, तो आप किस तरह से विश्वास दिला पाइएगा कि हम जो वादा कर रहे हैं हम उन नेताओं से अलग हैं,
कैसे विश्वास दिलाइएगा? देखिए सबसे पहले तो मैं नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ, और मैं सिवान की जनता जो है मेरे साथ है, मुझे बहुत प्यार करती है और वो जानती है मुझे, आज से नहीं मैं बरसों से जानती है, मेरे खानदान को जानती है कि कैसे उन लोगों ने सिवान के साथ क्या किया है। तो उसी उम्मीद के से मैं भी आया हूँ उनके बीच में कि मुझे भी मौका दिया जाए, मेरे पूर्वजों को मौका दिया गया तो मुझे भी मौका दिया जाए। अंतिम में सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, एक्सपर्ट की अगर माने तो ये जो बदलाव हुआ है कि जनता आप डायरेक्ट चुनेगी, तो सही मायने में इससे माना जा रहा है कि शहरों का विकास तेजी से होगा। आप खुद सभापति के लिए उम्मीदवार हैं तो क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए जो पहले पैसे का खेला होता था वो तो कम हो जाएगा जी, होगा लेकिन कम हो जाएगा, उस पर तो बहुत सारा अंकुश लगने ही वाला है, क्योंकि जनता को ये अधिकार मिल चुका है कि वो अपने मतदान का प्रयोग करके सही आदमी को लाए। और आप उठा के देखिए कि अगर वो जो साफ सुथरा छवि वाला इंसान है वही आपका डेवलपमेंट कर सकता है, तो उसके लिए है ना साफ सुथरे छवि के लोगों को ही पॉलिटिक्स में आना जरूरी है। अंतिम में सर आप जो भी मतदाता हैं उनके लिए क्या कुछ आपका संदेश रहेगा वो भी विस्तार से बता दीजिए। देखिए मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपने बेटे को एक बार आप मौका दें और मैं वो चीज़ करके दिखाऊंगा कि सिवान को कैसे सजाना है जी, कैसे सजाना है, और हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे आप मेडिकल का क्षेत्र हो, क्योंकि मैं खुद प्रोफेशन से मेडिकल का ये हूँ तो मैं जानता हूँ कि कैसे अगर साफ़ सुथरा नहीं रहेगा सिवान तो बहुत सारी बीमारियाँ घर पे आएंगी, बच्चे जो हैं उससे ग्रसित रहेंगे, लोग ग्रसित रहेंगे। सर ये माले का हार आपने पहना है, ये इसको हार माना जाए या फिर वाकई इसके पीछे आप क्या कुछ कहेंगे? हार है पहने हुए आप, तो इसके पीछे हार होगी या जीत होगी? देखिए ये जो है जो मैंने जिम्मेदारी उठाई है वो सच में एक कांटों का ताज है जी, ठीक है, जो पीछे मैं देख रहा हूँ कि है ना कांटों का ताज है वो मैंने पहना है और मैं उसको फूल बना के दिखा। सर आपका फैजी भाई के साथ रहना बहुत सारे लोगों को चुप भी रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं देखिए फैजी भाई से हमारी पुरानी संबंध है, चूँकि मैं यहाँ का पूर्व पार्षद रह चुका हूँ और स्थानीय निवासी हूँ और इस इलेक्शन में मैं फिर पार्षद का उम्मीदवार हूँ, तो फैजी बाबू से हमारा संबंध अच्छा है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि फैजी बाबू को मैं मदद करूं। जी सर कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का? लोगों का प्यार अच्छा मिल रहा है जी, और इनको बनाए के छोड़ना है, उम्मीद है कि अगर मतदाताओं का सहयोग आशीर्वाद मिलेगा तो विजयी भव होंगे जी। तो देख सकते हैं दोस्तों ये डॉक्टर शारिक नैयर फैजी साहब का आप देख सकते हैं, लगातार डोर टू डोर अब कंपेन करना इन्होंने शुरू कर दिया है, वही हम आपको सिवान से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आपको हम बता दें जैसे ये बदलाव हुआ है कि सभापति और उपसभापति को जो है अब लोग डायरेक्ट चुन सकेंगे, मतदाता चुन सकेंगे, इससे लोगों में खुशी की लहर है, जो जनता है वो अपने योग्य सभापति चुन सकेगी, वही हम आपको सिवान से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बने रहिए, लगातार खबरें जारी हैं।